Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of chemistry for 9th class. Today's our topic of discussion is Charles' law as well as the experimental verification of Charles' law. So students, we need to know that what is Charles' law. So students, Charles' law ko hum kuch is tarah se define karte hain ki volume directly proportional hai temperature ke. Means agar aap temperature increase karte ho तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हो तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा. ठीक है, ये हमारे पास है चार्ल्स लॉ. अब हमने ये कहा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो हम कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं और इस केस में हम कांस्टेंट के यूज़ करते हैं और हमारे पास कुछ इस तरह का रिलेशनशिप आ जाता है, V इज इक्वल्स टू के टी. या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, V डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल्स टू के. अब अगर हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम V1 हो और इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास T1 हो, लेकिन हम क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, तो डेफिनेटली जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा. सो अगर हम टेम्परेचर जो है वो चेंज कर देते हैं T1 से T2, मींस हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा और V1 से V2 हो जाएगा. अब इस रिलेशनशिप को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, V1 डिवाइडेड बाई T1 इज़ इक्वल्स टू के. और सेकेंड हमारे पास आ जाता है V2 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल्स टू के. या फिर हम इस रिलेशनशिप को इस तरह से लिख सकते हैं, V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाय T2. अब हम डायग्राम से इस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ को समझते हैं. लाइक आप देखें, ये आपके पास 2 सिलेंडर्स हैं और इनके जो पिस्टन्स हैं वो फ्रिक्शनलेस पिस्टन हैं. इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास T1 है और T1 हमारे पास 25°C है और जब टेम्परेचर T1 है तो वॉल्यूम V1 है जो कि 50 cm³ है. लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं और टेम्परेचर 100°C तक ले जाते हैं तो वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है और वॉल्यूम कितना हो जाता है, 62.5 cm³. सो इससे हमें ये पता चलता है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है. स्टूडेंट्स, अब हम एक वीडियो क्लिप से चार्ल्स लॉ को समझने की कोशिश करते हैं. तो चार्ल्स लॉ जो है ये रिलेशनशिप है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि वॉल्यूम, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा. दैट्स मीन के वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. ठीक है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है. चार्ल्स लॉ जो है ये जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम जैक चार्ल्स था. और ये हमारे पास डायग्राम जो है वो रिलेशनशिप को शो करती है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के. दैट्स मीन के अगर हम ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिसमें गैस है, उसके ऊपर एक मूवेबल पिस्टन है. अगर हम इसे हीट प्रोवाइड करते हैं, हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा. और यहाँ से अब हम एब्सोल्यूट ज़ीरो के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं. ये हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में ग्राफ है और जब गैस जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे है, दैट्स मीन जब -273.15°C पे है, तो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो ज़ीरो होता है. तो इसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर का नाम देते हैं. Now students, mark the question related to Charles' law. So the question will be define Charles' law. So students, इसका answer आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और साथ में आप ये relationship भी लिखेंगे. ठीक है, ये relationship भी आप इसके answer में लिखेंगे कि Charles' law की तारीफ़ करें. तो इसका answer आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे और ये relationship भी लिखेंगे. और Charles' law ने जो law दिया था जिसे हम Charles' law का नाम देते हैं, J. Charles फ्रेंच साइंटिस्ट था और उसने ये law 1787 में दिया था.